आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन में लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं या फिर कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख के रखा हूँ आपको, बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी फॉर्मूला को रीड करने में, समझने में, और हम लोग फिर इस फॉर्मूला को लिखेंगे। हम लोग को ये सब याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है ना, कैसे ये फॉर्मूला क्या इसके बाद होगा। क्लास टेन में आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला क्लास टेन में था हमारा, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सपोज साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए क्लास टेन में, इसका क्या था, कॉस थीटा, यही था ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ओके, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ ये सब फॉर्मूला को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट लिया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात करें तो इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ सभी ट्रिगोनोमेट्री जितने इक्वेशन है, फंक्शन है, वो भी सब यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव होंगे, साइन और इसके रेसिप्रोकल कोसेक वाले, यहाँ पे होंगे टेन वाले पॉजिटिव, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे होंगे एक बच्चा हमारा कॉस, उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आइए बात करते हैं फिर, तो यहाँ पे बाकी सब नेगेटिव, यहाँ बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर आप लोग ये इस तरह के वीडियो को पहले देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पहली बार ये चीज़ को देख रहे हैं तो आराम से पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको एकदम पूरी तरह से समझ आएगा कि क्या करने वाले क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस लाइन पे अगर कोई हमारा फंक्शन आता है तो यहाँ पे ये होगा नो चेंज, ठीक है ना, ये होगा नो चेंज, यानी इस वाली लाइन में जो आएंगे वहां पे चेंज हो नहीं करेंगे, एकदम आराम से सुनिएगा, ओके। इस लाइन में अगर को आएंगे लंबे वाले लाइन को आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा चेंज, यानी कि ये चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा, कब चेंज करेगा, ठीक है ना, वो देखते हैं क्या चेंज होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, साइन चेंज होगा आपका कॉस में, कॉस चेंज होगा आपका जस्ट उसका उल्टा साइन में, जब साइन कॉस में तो कॉस साइन में हो गया, टेन जो आपका चेंज होगा वो होगा कॉट में, ओके, कॉट जो चेंज होगा वो होगा टेन में, कॉसेक जो चेंज होगा वो होगा सेक में, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल सेक जो होगा उसका उल्टा कॉसेक में, तो ये इस तरह की चेंजिंग यहाँ पे होगी, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस होगा चेंज साइन में, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात में क्या बताया यहाँ पे कि इस लाइन पे अगर को आने वाला है तो वो नो चेंज चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे अगर होगा तो चेंज करेगा, चेंज किसमें करेगा, ये साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टेन होगा कॉट में, कॉट होगा टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिया हूँ ये साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, तो आपको देखना कि पाई कहाँ पे, अच्छा उससे पहले बता दूँ हम शुरुआत करते हैं जीरो डिग्री से, अगर मैं बात करूं आपका एंगल का तो ये जीरो डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, 90 प्लस कीजिए 180, 180 प्लस 90 कीजिए 270, ठीक है ना, यानी कि अगर 90 90 प्लस कर जाइएगा तो आपका ये आएगा जीरो, फिर 90 180 270 फिर 360 फिर 90 जोड़िए, फिर 90 जोड़िए, ये सर्कल आपका चलता रहेगा, ओके। अगर मैं बात करूँ रेडियन की, रेडियन में बात करूँ तो यहाँ पे जीरो रेडियन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 90 पाई बाई टू रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई टू रेडियन, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई टू जो भी होगा वो चलता रहेगा यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कहाँ पे आपका होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि साइन पाई, पाई कहाँ पे, पाई आपका यहाँ पे, ओके, पाई यहाँ पे है, अच्छा जब प्लस थीटा इसमें करेंगे हम, अगर साइन प्लस थीटा, अगर पाई में कोई एंगल हम प्लस करेंगे तो यकीनन देखिए जब प्लस करेंगे तो हम इधर आएंगे, आगे आएंगे ना, हम ये साइड आएंगे, पाई में कुछ एंगल अगर जोड़े तो हम इधर आएंगे, माइनस करेंगे तो फिर पीछे जाएंगे हम, क्योंकि 90 से 180 या 180 से 270 आ रहे हैं यहाँ पर, 180 से 270 ज्यादा है, तो हम पाई प्लस करेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल से जोड़ रहे हैं, यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब यहाँ क्या देखना है हमें, दूसरी बात यहाँ चेक करना है कि हम आने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही तो मालूम आपको होगा, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में जो लाइन यहाँ पे पहले जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है नो चेंज वाला लाइन, यानी कि साइन जो है वो आपका चेंज नहीं करेगा, ये साइन आपका चेंज कॉस में नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन में आ रहा है यहाँ पे होता है नो चेंज, ओके, पहली बार, तो जब चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे लिखेंगे बस साइन थीटा, यहाँ पे थीटा पहला काम ही मेरा हो गया, तो पूरा हुआ नहीं है, पहला काम हुआ,
कि साइन यहाँ पे इसमें आया, उसने प्लस थीटा की, यानी हमारा एंगल इसमें आएगा, तो कहीं पे मान लो इस बीच में कहीं एंगल आएगा, पाई प्लस थीटा मान लो, इससे यहाँ पे थीटा मान लो 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री कुछ भी मान लो हो गया, तो यहाँ से 180 से 90 जुड़ेंगे तो 270 होता है, 180 प्लस मान लो 30 हो गया, तो यहीं पे कहीं लाई करेगा इसी कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, तो कहीं पे लाई कर सकता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, और इसमें चेंज नहीं होता है तो साइन थीटा ही हो गया। अब देखते हैं साइन के बारे में, दूसरा वो पढ़ना है साइन, SIGN, साइन क्या होगा आपका, प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया इसमें आपको, कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यही है ना, तो जो चेंज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ, सो लिख लीजिएगा आप लोग, जो चेंज होने वाला है हम उसको देखते हैं, ना कि जो चेंज होके आ गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि जो चेंज होने वाला है या जो चेंज हो रहा है हम उसको देखेंगे, हम उसको कभी नहीं देखेंगे जो चेंज होके क्या आया, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज कौन होने वाला था, साइन चेंज नहीं हुआ, अलग बात है, साइन चेंज होने वाला था यहाँ पर। तो साइन इस क्वाड्रेंट में हमारा जब लाई कर रहा था, जब आ रहा था, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। जब यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन हम क्या देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन देंगे हम माइनस का। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पे है नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेन पाई प्लस टू प्लस थीटा, टेन पाई प्लस टू प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए कि पाई बाय टू कहाँ पे है, तो ये आपका जीरो, ये पाई बाय टू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका पाई बाय टू हो गया। पाई बाय टू जब हो गया, अब प्लस थीटा कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो हम इधर ही आएंगे, आएंगे ना, एंटी क्लॉक कहते हैं इसको ना, एंटी क्लॉक में आएंगे हम लोग, पाई बाय टू इसमें आएंगे, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में आ जाएंगे। अब देखिए, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है जी, इसमें आपका चेंज वाला लाइन है ना, पाई बाय टू वाला लाइन क्या है, चेंज है। जो सीधा खड़ा लाइन वो चेंज करेगा, जो लाइन लेट गया है वो चेंज नहीं करेगा। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो इंसान लेटा हुआ है ना, अब जो लेटा हुआ कभी चेंज ला सकता है, बोलिए, जो इंसान दिन भर सोया हुआ है मान लो घर में, जो सोया हुआ है ना, वो कभी चेंज ला सकता है दुनिया में, नहीं। लेकिन जो खड़ा है मान लो स्ट्रेट एकदम डट के, वो तो चेंज लाएगा ही लाएगा, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो पाई बाय टू प्लस थीटा, यानी इसमें आ रहे हैं हम लोग, ये चेंज वाला लाइन है जी, पाई बाय टू यहाँ पे है, यानी चेंज वाला लाइन है, तो टेन चेंज होगा यहाँ पे, टेन इसमें चेंज होता है, देखो यहाँ पे कॉट में, मैं लिख दिया यहाँ पे, टेन चेंज होता है कॉट में, ये आपको याद करना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ तो इसमें है नहीं। तो पहले लिखेंगे हम कॉट थीटा, क्या हमारा काम खत्म हो गया अभी, नहीं, हमें क्या देखना है फिर, हमें आपको देखना है सर कि साइन क्या होता है। तो अब देखिए, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा किसमें आ रहा था, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक। मैंने क्या कहा आपको कि जो चेंज होने वाला है हम उसको देखेंगे, चेंज होने वाला कौन था, टेन, यहाँ पे टेन पॉजिटिव था कि नेगेटिव होता है, यहाँ पे सर, यहाँ पे टेन नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम डालेंगे नेगेटिव का साइन, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, कोसेक थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, कोसेक थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। अब देखिए आप, थ्री पाई बाय टू कहाँ पे है, थ्री पाई बाय टू स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा, अगर मान लो थ्री पाई बाय टू का मतलब 270 हो गया, इसमें प्लस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे 360 तक जाएंगे, हम माइनस करेंगे तो किधर आएंगे, हम 180 तरफ, तो यहाँ पे हमको माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसमें या इसमें, हम इसमें आएंगे, ठीक है ना, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आएंगे, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम इसमें आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखना है हमें कि कोसेक आपका इस लाइन में आ रहा है ना, इस लाइन में आ रहा है, चेंज वाली लाइन में आ रहा है, चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो सबसे पहले कोसेक चेंज किसमें होगा, सेक में चेंज होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक, यहाँ पे लिखेंगे हम सेक थीटा, ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, ठीक है ना, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा, सेक थीटा हो गया। अब देखना है हमें कि साइन क्या होता है, तो सबसे पहले जो चेंज होने वाला था कोसेक, वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कोसेक क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा फिर से नेगेटिव। ओके, ये तो आप कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू, पाई बाय टू साइन में आपका हो गया, ये क्लास टेन वाला था आपका, ये क्लास टेन वाला आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, साइन पाई बाय टू, पाई बाय टू आपका ये हो गया, ये लाइन चेंज वाला लाइन है, चेंज तो होना ही होना इसमें है, तो साइन चेंज होगा किसमें जी, कॉस में, ठीक है ना। अब पाई बाय टू माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस में अगर जा रहे हैं तो माइनस प्लस में जाएंगे तो इधर आएंगे, माइनस में जाएंगे तो इधर आएंगे, ठीक है ना, ये
आंसर में जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, तो चेंज हुआ आपका कॉस में, साइन चेंज हुआ कॉस में, और यहाँ पे साइन क्या हुआ, चेंज होने वाला साइन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें साइन चेंज नहीं होता है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, सपोज एग्जाम्पल लिए हम साइन, ठीक ना, साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ देखिए साइन पाई, पाई कहाँ पे, पाई यहाँ पे है इस लाइन में, पाई यहाँ पे है, पाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पाई माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो हम क्लॉक वाइज में जाएंगे, एंटी पीछे जाएंगे हम, माइनस कर रहे हैं, माइनस किए हैं, तो पहले चेंज होगा क्या साइन में, तो चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, ये थीटा यहाँ पे आ गया, और साइन चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे साइन थीटा। अब साइन क्या देंगे, प्लस के माइनस वो देखना है। तो यहाँ देखिए अगर चेंज हो के पाई माइनस, यानी इसमें आएंगे हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, और आप सुनिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। मैंने क्या बताया आपको, जो चेंज होने वाला है उसको देखेंगे, चेंज होने वाला कौन था साइन, नहीं चेंज हुआ अलग बात है, चेंज होने वाला कौन था साइन। अब साइन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस साइन थीटा, या फिर प्लस नहीं लिखना आपको तो साइन पाई माइनस थीटा का आंसर क्या हो गया जी, साइन थीटा हो गया। ओके होप आप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है सेक 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए 3π/2 कहां पे है, किस जगह पे 3π/2 देखिए, 0π/2 पाई 3π/2 यहां पे है। ये लाइन कौन सी लाइन है जी, ये लाइन है चेंज वाली लाइन, चेंज, ठीक है ना। चेंज करना है पहले हमको, चेंज करना है तो सेक चेंज किसमें होता है, सेक चेंज होता है आपका कोसेक में। ओके तो कोसेक में यहाँ पे हम लिख लिया पहले कोसेक थीटा। अब देखते हैं कि साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, 3π/2 प्लस थीटा है, प्लस करेंगे यानी कि हम इधर जाएंगे, ये साइड आएंगे ना, ये साइड आ गए यहाँ पे हम, यहाँ पे आ गए इस साइड हम। अब हम क्या बताएं कि यहाँ पे देखिए कोस और सेक नेगेटिव होता है, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे सेक नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, नहीं। मैंने क्या बताया था, जो चेंज होने वाला है उसको देखेंगे, चेंज होने वाला कौन था सेक, सेक देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेक यहाँ पे होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा पॉजिटिव, यानी कि ये आपका सही है। आते हैं इसमें एंगल वाले में, टेन 270° माइनस थीटा। ओके यहाँ मान लीजिए एक्स दिया हुआ, तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे अगर एक्स दिया हुआ मान लो, तो टेन 270 माइनस थीटा, 270 कहाँ पे है, यहाँ पे है देखिए 270। अब ये लाइन तो है चेंज वाली लाइन है ना, चेंज, तो फिर चेंज कर देते हैं पहले, टेन चेंज किसमें होगा कॉट में, तो कॉट यहाँ पे क्या होगा एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया। ओके कॉट एक्स यहाँ पे हो गया। अब साइन देखना है, साइन क्या होगा, 270 माइनस कर रहे हैं तो हम पीछे की ओर जाएंगे, पीछे जाएंगे हम तो यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे टेन और कॉट, ठीक है ना, टेन और कॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, टेन आपका पॉजिटिव होता है, मैंने क्या बताया जो चेंज होने वाला था, चेंज होने वाला था टेन, और टेन यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, ये आपका आंसर सही है। ओके इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं आराम से, फॉर्मूला को एक दो बार ट्राई कीजिए, रिपीट कीजिए, आराम से होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस में नहीं लगा हुआ है एकदम, आराम से कर सकते हैं आप लोग। बस याद ये रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव हो रहा है पहला, दूसरा एंगल 0 90 90 जोड़ दिया जाएगा अपना, 0 प्लस 90 90 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270 270 प्लस 90 360, ठीक है ना। अब यहाँ तक सीखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको बताऊंगा, और आसानी कैसे कर सकते हैं इसको, और क्या याद रखना है, ये चेंज वाला चीज याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको कि जो चेंज होने वाला है हम उस पर फोकस करेंगे, ना कि जो चेंज होके आया है। ओके स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, जहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, और कुछ करने के बाद हम लोग जो सबसे हमारा मेन जो 3.3 है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, और लोग भी आगे पढ़ेंगे। ओके तब तक के लिए बाय बाय, और सब फिर से एक बार सबको हैप्पी दिवाली।